इंदौर के एरोरम थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 155 की एक मल्टी में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची एरोरम पुलिस ने शव को देखा तो युवक के हाथ और पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। शव के हाथ पैर बंधे होने से संभवतः यह हत्या का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दरअसल इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से हत्या और आत्महत्याओं के दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं पिछले दिनों जहां खजराना थाना क्षेत्र में एक किन्नर के दो टुकड़े कर लाश को फेंका गया था, वहीं सोमवार सुबह एरोरम थाना क्षेत्र की संगम नगर क्षेत्र की एक मल्टी में अज्ञात व्यक्ति का बंद बोरे में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची एरोरम पुलिस ने जब बंद बोरे से लाश को बाहर निकाला तो अज्ञात व्यक्ति के हाथ और पैर बंधे हुए थे और गले पर भी चोट के निशान मिले हैं। संभवतः हत्या कहीं और की गई है। लाश को मल्टी में लाकर फेंका गया है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि शव की शिनाख्त आसपास के इलाके में भी की जा रही है और सभी थाना क्षेत्रों में गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी भी ली जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि 155 नंबर स्कीम में आईडीए मल्टी के सामने एक खाली पड़ा प्लाट है, जहां पर एक बोरे में बंद किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचकर जाकर देखा गया तो वहां पर एक सफ़ेद प्लास्टिक के बोरे में एक करीब 45 साल के उम्र के व्यक्ति की डेड बॉडी थी। उसके अंदर उसके दोनों हाथ और पैर अलग अलग चुनरियों से बंधे हुए थे। उसके गले में एक किस रस्सी जैसी चीज़ से गला घोटने के निशान हैं तथा माथे पर दाहिनी तरफ उसके चोट के निशान हैं। कितनी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर लाश को वहां पर लाके फेंका गया है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में धारा 302 201 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और अज्ञात आरोपियों के संबंध में तथा मृतक की शिनाख्त के संबंध में वहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों को बुलाकर मौके पर दिखाया गया था, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं है। थाने की जो टीम है उसको टीम बनाकर आसपास के क्षेत्रों में सभी जगह पता करने के लिए लगाया गया है। साथ ही जिले के सभी शहर के सभी थानों को किसी अज्ञात व्यक्ति के गुमशुदा होने के संबंध में यदि कोई सूचना प्राप्त होती है उसके संबंध में भी तत्काल अवगत कराने हेतु पाबंद किया गया है।